मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ग्लोबल पार्टनरशिप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कोडरमा के झुमरी तलैया में अंकित मोदी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष नवीनतम तकनीक को प्रदर्शित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंकित मोदी की प्रशंसा की है। इस तकनीकी के जरिए कुछ समय के लिए टीबी के मरीजों की पहचान हो जाएगी। हमारा सोल्यूशन है, WHO रेकमेंडेड सोल्यूशन है टीबी स्क्रीनिंग के लिए। सर, AI इज मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। हम अराउंड 10 मिलियन लोगों को टीबी के लिए स्क्रीन कर चुके हैं सर, और टीबी से रिलेटेड सारे लंग डिसीजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर, इम्पैक्ट की बात करें तो हमने देखा है कि जब AI नहीं यूज़ होता था और आज जब यूज़ हो रहा है, 25% एडिशनल टीबी केसेस हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं और 50% कॉस्ट भी कम हुई है टीबी डिटेक्शन की। एडिशनल मतलब? मतलब वो पेशेंट जो पहले मिस हो रहे थे वो AI के टेक्नोलॉजी की कमी के कारण और पहले सिर्फ टीबी स्पेसिफिक प्रोग्राम में टीबी डिटेक्ट हो रहा था, लेकिन अब हमने AI को सर्वेलेंस के तौर पे लगा दिया कि पेशेंट किसी भी, जैसे अगर जुकाम के लिए भी आया और चेस्ट एक्सरे हुआ है तो एक बार टीबी के लिए का टेस्ट रन हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा हाँ, होल होलिस्टिक रूप में टेस्ट। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 नई दिल्ली में भारत मंडपम में संपन्न हुआ। यहाँ 20 से भी ज्यादा देशों के बिजनेस लीडर्स, वैज्ञानिक, स्टार्टअप्स, एजुकेटर्स एकत्रित हुए थे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा करने के लिए, उसका समाज पर क्या असर हो सकता है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। 50 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स ने इसमें हिस्सा लिया था। बेसिकली वो इवेंट यह दर्शाने के लिए था कि भारत किस तरह से AI में एक वैश्विक लीडर के रूप में उधर रहा है। 50 में से करीब 10 स्टार्टअप सेलेक्ट हुए थे जिन्होंने मोदी जी के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया और माननीय प्रधानमंत्री को हमने अपने टीबी उन्मूलन पे हमने क्या असर डाला है अपने काम से उस बारे में बताया, जिसपे उन्होंने बेहद दिलचस्पी ली और उनकी AI के बारे में जो उनकी नॉलेज और जो एंथुजियाज्म है उससे हम काफी प्रभावित हुए। यह मुलाकात काफी असरदायी हो सकती है इस मॉडल को देश भर में व्यापक रूप से लागू करने के लिए, जो कि टीबी मुक्त भारत अभियान में एक असरदार भूमिका निभा सकता है। यह टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। जैसे हम फेसबुक पे अपनी फोटो अपलोड करते हैं और फेसबुक पहचान लेता है कि इसमें कौन से हमारे दोस्त या रिश्तेदार हैं, वैसे ही उसी तरह की टेक्नोलॉजी हम मेडिकल इमेजेस जैसे चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन, MRI स्कैन उस पर यूज करते हैं उन इमेजेस में से बीमारियां पहचानने के लिए। पहले अगर आप चेस्ट एक्सरे लेने जाते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बड़े शहरों में 2-3 दिन में आपको एक्सरे रिपोर्ट मिलती है और गांव में रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है जो इन रिपोर्टों को पढ़ सकते हैं, तो उस आधार पे हमने ये टेक्नोलॉजी बनाई है कि तुरंत 30 सेकंड के अंदर आपकी चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट आ जाएगी। चेस्ट एक्सरे में भी खासकर हम टीबी उन्मूलन पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, उसके अलावा लंग कैंसर, हार्ट फेलियर जैसे अन्य बीमारियों के साइंस भी इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से डिटरमाइन की जा सकती है। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।